हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है और आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल एलईडी टीवी सर्विस सेंटर। दोस्तों, ये इलेक्ट्रा का 30 इंच का एलईडी टीवी है दोस्तों, जो कि चाइना मॉडल है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस टीवी में प्रॉब्लम क्या है, जो कि ये आप लोग देख रहे हैं, इंडिकेटर स्टैंड बाई मोड में है और इस लाइट इसमें कोई स्टैंड बाई से रिलीज अभी नहीं हुआ है। मैं आज कोई टीवी का बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिमोट नहीं काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि कोई भी रिमोट, जैसे कि ये टीवी का ये रिमोट है दोस्तों, ये रिमोट इसमें नहीं काम करता है। बैटरी में भी नया लगा हुआ है पर इसमें कोई काम नहीं करता है। मैं पावर ऑन करता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये रिमोट ख़राब है या इसका सेंसर ख़राब है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिमोट को कैमरा में ही चेक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कैमरा में मैं चेक कर रहा हूँ, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये नहीं काम करता है दोस्तों। ये जो रिमोट है, ये रिमोट ख़राब है। तो ऐसा इस टाइप का रिमोट मार्केट में नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलेगा, कोई भी अगर टीवी हो, यही टीवी नहीं है, इलेक्ट्रिक का कोई टीवी नहीं है, बाकी दुनिया का कोई भी कंपनी का टीवी हो, अगर मास्टर रिमोट उसमें काम कैसे करता है, मैं वो आपको सिखाऊंगा आज। तो ये देखिए, ये नहीं ऑन होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। जैसे टीवी में कीपैड होता है ना, कीपैड बटन, जो बटन से इसको पावर इस पर डिस्प्ले हम लाइन लाएंगे, उसके बाद रिमोट कैसे सेट होता है मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ ये स्टैंड बाई रिलीज करने का। देखिए, ये स्टैंड बाई रिलीज हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है दोस्तों, ब्लिंकिंग स्टार्ट है। देखिए, इलेक्ट्रा का लोगो आया पर इसमें रिमोट कोई काम नहीं करता है। ये टीवी मोड में है पर इसमें मैं कुछ भी जाता हूँ, प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं दिखाता है इसमें। ये देखिए, ये जो रिमोट आप लोग देख रहे हैं, इस रिमोट को मैं, ये यूनिवर्सल रिमोट है दोस्तों, यूनिवर्सल रिमोट है, ये सेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये रिमोट कैसे सेट होता है टीवी में वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये यूनिवर्सल LCD LED टीवी रिमोट है दोस्तों, देख रहे हैं, तो वही रिमोट है। तो ये रिमोट का कैसे सेट होता है, इसके अंदर जो एक गाइडलाइंस दिया हुआ रहता है पेपर, इस पेपर से आप कुछ रीड कर आप सेट कर सकते हैं दोस्तों। अब कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कि ये रिमोट है, इस टाइप का रिमोट, इसका फोटो कोई भी इसमें दिख गया तो सेम कोड, यहाँ पर जो कोड दिख रहा है वो कोड जांच कर आप प्रेस कर आप इसमें सेट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। अगर इस ये पेपर आपको पास नॉलेज नहीं है तो कैसे सेट करेंगे, सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों का दिखाऊंगा और शेयर करूंगा। तो वीडियो के साथ बना रहे दोस्तों, वीडियो नॉलेजफुल होगा, आपको समझ में कुछ आ जाएगा। तो बैटरी मैंने इसमें लगा दिया हूं, तो ये रिमोट कैसे सेट होता है मैं दिखाऊंगा। बैटरी तो मैंने लगा दिया, आप देखिए ये बिलिंग कर रहा है दोस्तों, पर इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमोट कैसे सेट होता है, सबसे पहले मैं सबसे इजी तरीका सिखाऊंगा आपको। जैसे प्रेस करना है एक ही साथ, देखिए एक ही साथ सेट और पावर से प्रेस करना है तो रेड ब्लिंक चलने लगेगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीरो बटन 3 बार जाएंगे, 1 3। तो ये प्रेस कर 3 बार प्रेस किया तो 00 कोड पर ये चलाया। अब मैं प्रेस करता हूँ तो नहीं काम करता है, ये नहीं, इसमें नहीं सेट हुआ। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस फिर से इसको दबाएंगे। अब प्रेस क्या करेंगे, वैल्यूम प्लस दोस्तों, अब ये चेक करना है कि वैल्यूम प्लस आपको प्रेस करके रखना है, और वैल्यूम प्लस कर रखने के बाद इसको, वैल्यूम प्लस करने के बाद इसको स्क्रीन पर थोड़ा दिखाना है, वैल्यूम प्लस एक बार जतना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए दोस्तों, ये 8 बार में ये वैल्यूम काम करने लगा दोस्तों, ये 8 बार में वैल्यूम काम करने लगा। तो
तो हम क्या करेंगे, इसको सेट अगर 8 बार में काम कर रहा है तो इसको सेट को बटन को हम ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये सेट हो गया, इसमें रिमोट सेट हो गया। एक तरीका ये है। तो हम लोग अगर ये बैटरी निकाल देने के बाद कोई दूसरा प्रेस जान दिया, कोई दूसरा कोड लगा दिया, तो हम लोगों को याद करना है कि 8 बार में एक कोड 8 जाने के बाद हुआ। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये पावर ऑन हो गया, अब मैं 0 0 फिर से जाता हूँ, 1 2 3 ये रीसेट हो गया। अब मैं इसको पावर फिर से स्टैंड बाई मोड में चला गया हूँ दोस्तों, ये जाता हूँ तो नहीं आता है। अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए हुआ। अब मैं जाऊँगा 0 0 8 देखिए 0 0 8 जाँचने के बाद ये बिलिंग करने लगा दोस्तों, रिमोट काम करने लगा। तो इस तरह से हम लोग कोड मास्टर रिमोट सेट कर सकते हैं या कोड पता कर सकते हैं। और एक मेथड तो वो हो गया, अब दूसरी मेथड मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको पूरा सेटिंग करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए बिल्कुल रनिंग है, ये भी लगा सकते हैं आप, HDMI लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते। तो देखिए इतना सारे रिमोट है इसमें, तो रिमोट को आखिर मैं ढूंढ लिया, थोड़ा टाइम लगा, वीडियो को थोड़ा मैं पुश करके मैं खोजा। देखिए दोस्तों ये जो रिमोट देख रहे हैं 352 नंबर का कोड है दोस्तों, ये देखिए। जैसे कि इस रिमोट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 3 लाइन के बाद ये कलर है। तो देखिए 1 2 3 लाइन के बाद कवर है, और फर्स्ट में है इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए फर्स्ट में है इन्फॉर्मेशन अम्यूट और पावर, तो देख लीजिए ये है। तो अब इस रिमोट में हम क्या करेंगे, 352 नंबर का कोड जाँचेंगे, 352 नंबर का कोड जाँचेंगे। तो देखिए एक साथ इसको प्रेस करना है दोस्तों, और जाँचना है 352 यानी कि 352 जाँचने के बाद देखिए टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको। देखिए ये काम करने लगा, 008 पर भी काम करेगा, 352 पर भी काम करेगा। तो इस तरह से आप मॉडल नंबर मिलाकर रिमोट में टीवी में मैच कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।